हेलो जी, मैं अमन। इंडिया में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है लोगों में, और अगर गलती से भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाए तो मतलब बवाल ही कर जाता है। इंडिया में क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा स्वैग आईपीएल का होता है। आईपीएल का स्वैग नेक्स्ट लेवल ही होता है बॉस। और इंडिया में आईपीएल का बिजनेस भी हजारों करोड़ रुपयों में होता है। लेकिन कैसे, मतलब जैसे अभी अपने हाल ही में सुना होगा कि आईपीएल में दो नई टीमें और आ रही हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। तो इनमें लखनऊ की टीम को आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है, और वहीं अहमदाबाद की टीम को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 562 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है यार। लेकिन कोई भी किसी भी टीम को इतने ज्यादा रुपयों में क्यों खरीदेगा यार, उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। फायदा होता है, और बहुत ज्यादा होता है। कैसे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर एक पर आता है डिजिटल और मीडिया राइट्स। साल 2008 में आईपीएल के मीडिया राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने 8,200 करोड़ रुपयों में 10 सालों के लिए खरीदे थे, और 10 साल बाद साल 2018 में 16,347 करोड़ रुपए में बीसीसीआई ने आईपीएल के डिजिटल और मीडिया राइट्स स्टार इंडिया को दे दिए थे, और स्टार इंडिया के पास आईपीएल के राइट्स साल 2022 तक रहेंगे। टाइटल स्पॉन्सरशिप, डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, सुना है ना आपने। ये थे ब्रांड्स, और ये ब्रांड्स उस वक्त के मैचेस के टाइटल स्पॉन्सर्स थे। यानी कि आईपीएल सिर्फ आईपीएल नहीं कहा जाएगा, बल्कि आईपीएल से पहले इन ब्रांड्स का नाम लिया जाएगा। वीवो के पास साल 2018 से साल 2022 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स थे, लेकिन क्योंकि साल 2020 में कोरोना की वजह से आईपीएल हुआ नहीं था, इस वजह से वीवो के पास साल 2023 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स हैं, और वीवो ने राइट्स 2190 करोड़ रुपए में खरीदे थे। किसी भी क्रिकेटर की जर्सी में अगर आप आगे पीछे हेलमेट में विकेट्स में आप नजरें दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि वहां किसी न किसी ब्रांड की फोटो लगी होती है, और इन ब्रांड्स की कीमत अलग अलग होती है। जर्सी के फ्रंट में जो एड्स होते हैं उनसे 15 से 20 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। हेलमेट्स में भी एड होते हैं, और इन एड से 2 से लेकर 14 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। जर्सी के पीछे की तरफ जो एड्स लगे होते हैं उनसे 7 करोड़ से लेकर 14 करोड़ तक की कमाई होती है। अब देखिए ना, अगर एक जर्सी से ही इतनी कमाई हो रही है तो बाकी जगहों से कितनी कमाई होती होगी। क्रिकेट के फील्ड में भी अलग अलग जगहों पर एड्स लगे होते हैं। अब देखिए, जो स्पॉन्सर्स महंगे एड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो क्रिकेट के फील्ड में ही अपने फ्लैग्स लगा देते हैं, अपने पोस्टर लगा देते हैं, अपने बैनर लगा देते हैं, और इन एड्स की कीमत 2 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। क्रिकेट के टिकट से भी कमाई होती है। देखिए, आईपीएल का क्रेज ही इतना है लोगों में कि क्रिकेट स्टेडियम उस वक्त ऑलमोस्ट फुल होते हैं, और एक क्रिकेट टिकट की कीमत 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की होती है। और माना अगर किसी स्टेडियम में 50,000 सीट्स हैं तो एक ही मैच में आप 4 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। क्रिकेट फील्ड में, बाउंड्री में, स्टंप्स में, थर्ड अंपायर के बाद जो आउट और नॉट आउट के बारे में रिजल्ट बताता है उस बोर्ड पर भी एड्स चलते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के वक्त भी बोर्ड पर एड्स चलते हैं, और इन एड्स का अलग से पैसा होता है। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट जो कि क्रिकेटर्स करते हैं, और इसके अलावा हर एक टीम के अपने मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उस टीम की जर्सी, कैप, बैट, रिस्ट वॉच, रिस्ट बैंड और भी वगैरह वगैरह। आईपीएल में अपनी फेवरेट टीम की जर्सी पहने हुए, कैप पहने हुए आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो लोग उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को खरीदते जरूर हैं। इसके अलावा स्टेडियम में खाने की तरह तरह की चीजें होती हैं, तो उन स्टॉल्स के अलग से टेंडर जारी किए जाते हैं, और यहाँ से भी काफी पैसा कलेक्ट किया जाता है। आईपीएल अलग क्यों है? देखिए, ग्लैमर तो क्रिकेट में पहले से ही था, लेकिन आईपीएल में जो बात है वो किसी और टूर्नामेंट में नहीं। आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं उनमें से ज्यादातर के ओनर्स जो हैं वो बॉलीवुड से ही हैं, जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी और भी कई सारे हैं। और अपने इंडिया में कई सारे उद्योगपतियों का भी अपना ही अलग स्वैग है, तो आईपीएल की कई सारी टीम ऐसी भी हैं जो जिनके ओनर्स कई सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मैच जब टेलीकास्ट हो रहा होता है तो 10 सेकंड के एड के भी लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो साइड से भी आप देखते होंगे कि कई सारे एड्स दिखाए जाते हैं, तो उनका भी अलग से चार्ज होता है। ऑनलाइन सट्टे की लत लगाता आईपीएल। दोस्तों, जब भी टीवी पर या हॉटस्टार पर या फिर सोनी पिक्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर कई सारे रिपीटेड एड्स चलते हैं। सोचिए, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीकास्ट राइट्स भी हजारों करोड़ के होते हैं ना, कौन से होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, जरा दिमाग लगाओ। इसके भी चैंपियंस देखने को मिलेंगे आपको, ओपन चैलेंज देते हैं अपने दादा। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी, देखते हैं माय 11 सर्कल पे।
आईपीएल ने तो बरसों पुरानी सट्टा प्रथा को डिजिटल कर दिया है और लगभग लीगल भी। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। ड्रीम इलेवन, मेक योर टीम नाउ। देखिए टेक्निकली बात तो वही है ना, 1 करोड़ के पूल प्राइस पर अपना लक लगाते हो और वो 30-50 रुपए वाली टीम बनाते हो। अब देखिए 1 करोड़ में से 10 लाख लोग भी अगर 30 या 50 रुपए की कोई टीम बनाते हैं तो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस 20% व्यूअरशिप राइज से खुद बीसीसीआई को 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो भी पैंडेमिक के बावजूद। आप इसी बात से बीसीसीआई को होने वाले फायदे का आइडिया लगा सकते हैं कि साल 2018 में बैलेंस शीट के अनुसार 8 फ्रेंचाइजी टीम का रेवेन्यू शेयर करने के बाद भी बीसीसीआई को सालाना लगभग 2000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से बीसीसीआई को 350 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। और वहीं अगर 2016 के आईपीएल की बात करें तो इस वक्त बीसीसीआई को 1200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल से कुल जितनी कमाई होती है उसका 40% बीसीसीआई की जेब में जाता है। हालांकि अब ये रेवेन्यू जो है वो 47% हो चुका है और बाकी का जो 6% होता है वो आईपीएल में प्राइज मनी पर खर्च होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आईपीएल आखिर कमाता कैसे है और आईपीएल का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के और भी हम इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजबल वीडियोज आपके लिए लाते रहें। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।